नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज, पहले दौर का मतदान, 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तस्वीरें हम आपको तमाम जगहों की दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, 2 घंटे तो वोटिंग के निकल चुके हैं, 7 बजे ही मतदान की शुरुआत हुई थी, 9 बज चुका है और प्रधानमंत्री ने भी लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन लोगों में अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों पर जोश दिख रहा है, कुछ जगहों का इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चुनावी महाभारत भी जारी है। अब से कुछ ही देर पहले महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुंगेर की घटना को लेकर उनकी पार्टी बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि SP को वहां से ये राहुल गांधी ने न्याय रोजगार के लिए वोट करें, ये बात लिखी है। PM ने कहा कि आप वोट करने जरूर निकलें, लेकिन सावधानी बरतें, मास्क पहने, दूरी रखें। इधर मुंगेर की घटना की जांच हो, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। मुंगेर के SP को हटाया जाए, तेजस्वी यादव ने कहा। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले आपको सुना देते हैं मुंगेर की घटना पर। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो जमकर अब मुंगेर के मुद्दे को इस वक्त सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है SP को हटाया जाना चाहिए, गृहमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं, नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके कुछ ही देर पहले लोगों से ये आग्रह किया है कि वोटिंग के लिए जरूर निकले। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का ये पहले दौर के मतदान के पहले उनका ट्वीट है। हर मतदाता मतदान जरूर करे, मतदान सिर्फ अधिकार नहीं जिम्मेदारी भी है, ये नीतीश कुमार ने लिखा है। एक एक करके हमने आपको तमाम नेताओं के ट्वीट दिखा दिए जो ये कह रहे हैं कि लोगों को निकलना चाहिए वोटिंग के लिए, रोजगार जैसे मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी ने। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की वोटिंग की तस्वीरें हैं। आइए चर्चा यहां पर शुरू करते हैं, जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए अशोक जी, जिस तरह से अभी तक बातचीत आ रही है और यही लग रहा है कि तमाम पार्टियां मुंगेर के मुद्दे को कम से कम तेजस्वी यादव बड़ा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वोटिंग के एक दिन पहले हुई है यह घटना, सीधे नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं कि गृहमंत्री हैं, SP को हटाइए। देखिए, मुंगेर की घटना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चुनाव से एक दिन पहले की घटना हुई है, तो निश्चित तौर पे अपने दर्शकों को जरा सा एक दो लाइन में बता दे, दुर्गा पूजा में दरअसल वहां पर जब विसर्जन के लिए जा रहे थे, वहीं पर ऐसी नौबत आई, हाथापाई हुई और उसके बाद लाठी चलाई गई है और उसके बाद गोलियां भी चली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसको लेकर ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है बिहार की सियासत में। जी, अपनी बात पूरी करें जी, इशू बन रहा है वो। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो ये घटना है ही, लेकिन चुनाव से पहले चूंकि ये हो गया है तो अपोजिशन इसको मुद्दा निश्चित तौर पर बनाएगी और उनको बनाना भी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कार्य होना चाहिए, जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए, वो एकदम निश्चित तौर पर लिए जाने चाहिए। ये सरकार का काम है कि SP को हटाएं या ना हटाएं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव क्या लेते हैं उसको, सिचुएशन को टैकल करने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए। उसका राजनीतिक कारण भी है क्या? क्योंकि लिपि सिंह जो SP है वहाँ की, RCP सिंह की बेटी है,
और उसको लेकर भी ये राजनीति इस तरह से निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ, आपको लगता है? सुजीत जी, ये हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में चुनाव के समय में किसी भी मुद्दे को किस तरह से स्ट्रेच किया जाता है टू गेट द बेनिफिट, इसकी संभावना आप जो कह रहे हैं वो हो सकती है। लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा, मतलब मुद्दा तो है, लेकिन इसको वोटिंग के एक दिन या दो दिन पहले या चार दिन पहले उछालना ये उचित नहीं होगा। सुजीत, ये जो बीजेपी नेता से कनेक्शन है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या इस वजह से विपक्ष सिर्फ उठा रहा है? क्योंकि देखिए, आप सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त बवाल उस वीडियो को लेकर छिड़ा हुआ है कल से। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे बिहार में कोरोना काल के दौरान दुर्गा पूजा के पंडाल पर प्रतिबंध लगा हुआ था। हाँ। और पटना में भी आपने देखा होगा कि कहीं भी पंडाल नहीं बना, नहीं लगा, क्योंकि पहला अवसर होगा इतने दिनों में, इतने वर्षों में कि कहीं भी पंडाल, हम लोगों ने तो अपने जीवन में नहीं देखा था। पहली बार ऐसा हुआ। हाँ। और ऐसी परिस्थिति में जहां 28 तारीख को चुनाव होना है और आप पंडाल बनाने की आपने इजाजत कैसे दी? सबसे बड़ी विफलता वहां के प्रशासन को मैं मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर विसर्जन का जो लंबा जुलूस और ये तमाम चीजें चल रही थी, वो कहीं से भी, कोरोना तो है ही, चुनाव भी है, 26 तारीख की ये घटना है और 28 को आपके यहाँ चुनाव है, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में रोकना चाहिए था प्रशासन को, और उसमें पूरी तरह से विफल रही है ये। लेकिन जो ज्यादतियों का वीडियो आया उसकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ बवाल है। और हिमांशु मिश्रा, लखीसराय, जल्दी से तस्वीरें वहां की दिखाइए, और एक मंत्री भी शायद आपके साथ है। आज 6 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है और वोटर्स में कितनी उत्सुकता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन हो रहा है, नई तस्वीरें दिखाइए हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ है विजय सिन्हा, मैं इनसे यही सवाल कर रहा था कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं अंजना इस चुनाव के अंदर, क्योंकि ये चुनाव 2015 से अलग है, 2010 से अलग है, एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार सरकार की और आप उनके साथ हैं। नहीं देखिए, एक चीज बता देते हैं, जनता ने विकास को देखा है, स्वीकारा है, जहां वो लालटेन युग लाया हमने एलईडी युग लाया, जहां उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला हमने इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एनएम, जीएनएम कॉलेज खोला, हमने हर पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनवाया, विकास की गति को बढ़ाया। जी, लोगों के अंदर ये कह रहे हैं, मेरी खुद बात हुई अभी, वो कह रहे हैं कि विकास तो हुआ ही नहीं, विकास की योजनाएं चलती हैं, धरातल पर नहीं आ रही है। नहीं, सच्चाई है, आप जहां से गुजरे हैं आज सड़कों की स्थिति देख लें कि कितना बेहतर सड़क है, आज कई संस्थान बन गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एनएम, जीएनएम कॉलेज, बिहार के बच्चे जाते थे दूसरे राज्य में इंजीनियरिंग करने, पॉलिटेक्निक करने, आज बिहार के बच्चे अपने जिले के अंदर करने में सक्षम हैं, और ये सकारात्मक वातावरण बना है, लोग विकास स्वीकार कर रहे हैं। अब एक अंतर आया है कि जो हमारे नौजवान हैं वो विकास की चाहत और बढ़ी है, सरकार संकल्पित है उसके आशा और उम्मीद पर खरा उतरने को। बिहार के बच्चे फिर कोटा क्यों जाते हैं, दिल्ली क्यों जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, यहीं क्यों नहीं उनको मूलभूत सुविधाएं मिल जाती हैं शिक्षा की? नहीं, आप काफी संख्या में देखो, हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक है, इतनी बड़ी आबादी में लोग विदेश तक चले जाते हैं पढ़ने, जो सक्षम है वो विदेश भी पढ़ाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास गरीब वर्ग के बच्चे का सपना अपने ही जिले और अपने ही राज्य के अंदर साकार हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इस बार एक अन्य मार्ग पर नीतीश कुमार का जो नाम है वो बदल जाएगा 10 तारीख के बाद, और कई मंत्रियों और कई विधायकों के पते बदल जाएंगे पटना से। देखिए, एक चीज बता देते हैं कि तेजस्वी यादव जी सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, गांव गली को इन्होंने देखा तक नहीं है, अनुभव इनको नहीं है, इनका पसीना नहीं बहा है, अपने पिता के किए हुए कृत और उनके भ्रष्टाचार की। हिमांशु, इनसे बात करिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार सासाराम की तस्वीरें जल्दी से दिखाते हैं, कुमार अभिषेक वहाँ का नजारा दिखाइए, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पालन हो रहा है? बिल्कुल अंजना, देखिए जहाँ पर, बिल्कुल हम जहाँ पे मौजूद हैं ये मॉडल बूथ है, और थोड़ी इस वक्त जो लाइन थी वो कम है, लेकिन दूसरी लाइन इस वक्त दिखाई दे रही है, ज्यादातर आपको युवा यूथ इस समय दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरी तरफ की भी लाइन दिखाते हैं, बिल्कुल छोटी हो चुकी है, महिलाओं की लाइन थी कुछ देर पहले तक, बहुत तेजी से मतदान हो रहा है, हालांकि लोग लगातार निकल रहे हैं, और ये देखिए कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको भी पालन करते हुए बूथ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, हर शख्स को इस प्रोटोकॉल से गुजरना है और तभी वो वोट कर पाता है, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे थर्मल स्कैनिंग हो, हाथ में उन्हें ग्लव्स भी पहनना है और उसके बाद वोटिंग होती है, कुछ इस तरीके से लोग निकलते हैं और उसके बाद
जो ग्लव्स दी जाती है उसे इस डस्टबिन में डालना होता है। ये यहाँ के इस वक्त के जो हालात हैं वो बता दें, लेकिन लोगों का मन मिजाज हम सब कुछ लगातार टटोल रहे हैं। महिलाओं से हमने बात की, युवाओं से बात की, इस तरफ की जो लाइन है अंजना ये इस वक्त बड़ी दिखाई दे रही है। हम इन लोगों से एक बार फिर से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है भाई, ये बताइए मुद्दे क्या है इस बार, क्या बदलाव की तरफ लोग सोच रहे हैं या फिर विकास और जो पहले सुशासन की बात थी वो ठीक है? विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा जी। आपको क्या लगता है? सारा विकास की ओर ही जाएगी। विकास की ओर जाएगी, बदलाव की बात? बदलाव की बात नहीं, जो पुराना है वही है। आपको आपको क्या लगता है कि बदलाव है, लोग यूथ और नौकरियां और रोजगार की बात है? सर ये तो नहीं बता सकते हैं, बट हो सकता है पुराने वाले भी निकल जाए। हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि बदलाव बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्यों? इस कोरोना से जो है समझ में आ गया कि कौन कितना क्या कर रहा है। अच्छा। इससे बड़ा परेशानी आप कभी नहीं आएगी। कोरोना सबसे बड़ी परेशानी थी। आप लोगों को क्या लगता है क्या है नहीं? बदलाव और चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छा, नया युग के लिए, नया पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए चेंज। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने नई और पुरानी दोनों पीढ़ी देखी? हाँ, तो इसके पर बदलाव होना चाहिए कि देखा जाए कि सरकार क्या करती है। बदलाव आपको क्या लगता है, बदलाव या फिर? अभी तो विकास की पीढ़ी चल रही है, विकास के 15 साल के सुशासन के अंतर्गत नीतीश कुमार ने जो विकास, शिक्षा और हॉस्पिटल में और स्कूल के बारे में जो किया है उसके बारे में, लेकिन बेरोजगारी की समस्या जो है इस देश के बिहार स्टेट। तो अंजना देखिए मिक्स्ड रिएक्शंस है, लेकिन निश्चित तौर पर ये वो इलाका है जिसे माना जाता रहा है कि ये एनडीए का गढ़ रहा है। बीजेपी लगातार कई बार इस सीट को जीती है, पिछले दो बार से जेडीयू के पास है, लेकिन रोहतास, शाहबाद ये ऐसे इलाके हैं जहां से हमेशा बढ़त में रही है एनडीए, लेकिन इस बार जरूर मुखर तौर पर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और अब देखना यह है कि किस तरीके का ये जो वोटिंग पैटर्न है वो किस तरीके तक जाता है। अंजना ठीक है, चलिए जल्दी से यहां पर जो हमारे साथ मेहमान है उनसे बातचीत करते हैं। नलिन जी आप माइक उठाइए। सवाल यह है कि इस बार तो पूरी केमिस्ट्री पलट गई है ना, महागठबंधन में पिछली बार उस तरफ थे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ कांग्रेस, और जिस इलाके में आज वोटिंग हो रही है उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन आज तो नीतीश कुमार यहां बीजेपी के साथ है, तो ये जो केमिस्ट्री बदली है और जो वोटर की केमिस्ट्री फिर नए सिरे से सधेगी वो किधर आपको लगता है, कौन से मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि जो बीजेपी को छोड़ करके ये आरजेडी में गए थे नीतीश कुमार जी, तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत गए थे। नरेंद्र मोदी जी का विरोध 2009 में ही उन्होंने करना शुरू किया था, 10 मई 2009 लुधियाना कन्वेंशन में जो फोटो पर विधक गए थे वो, और एक उन्होंने बनाया कि भाई कम्युनलिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, इस आधार में मोदी जी फिट नहीं बैठते थे, उनको थर्ड पार्टी कहते थे। बिहार में तो एक 15-16 साल, 7-8 साल एक संघर्ष करने के बाद से वो पाए कि ये फिट नहीं है हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में, इसलिए वो गए थे लालू प्रसाद जी के पास। लेकिन लालू प्रसाद जी के पास से जब फिर यहाँ पर, अच्छा जब गए तो बीजेपी 53 सीट पर रिड्यूस हो गई थी, बीजेपी हरा दी गई थी इस चुनाव में, लोगों ने उसको 2015 में रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जब ये आए हुए हैं तो भाई एक हारे हुए पार्टी के साथ ही आए हुए हैं, जो कि डिसाइसिवली जिसका डिफीट हो गया था। अब उसके साथ आने पर लोगों का ऑब्वियस है कि कोरोना आया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का समस्या बढ़ा हुआ आया हुआ है, लेबरर्स आए हुए हैं, तो इसमें नए समीकरण बनने ही बनने हैं, क्योंकि लोगों को ऐसे पार्टी को वोट देना पड़ रहा है जो कि हार चुका है, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर चुका है। जी मैं संजय जी आपके पास अब आऊंगी, एक बार जरा जल्दी से रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो से सही रिपोर्ट आती है। रोहित जमुई से आप जुड़ रहे हैं, श्रेयसी सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है, बातचीत है कि पूजा करने चली गई लेकिन बूथ पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का पालन हो रहा है और यहाँ पर क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं, उनकी तादाद क्या दिख रही है, समझ में आ रही है? जी देखिए इस वक्त मैं जमुई के कटौना में मौजूद हूं, जहां पर एक पोलिंग बूथ की आपको तस्वीरें दिखाई, आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहां पे पुरुष हो या फिर महिलाएं हो यहां पे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन हाँ, जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पे आप देख सकते हैं पालन नहीं हो रहा है, सब लोग जो है एक साथ ही कह सकते हैं चिपक के हैं यहां पे खड़े हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पे पालन होना चाहिए था। लेकिन हालांकि मास्क जो है कुछ लोगों ने पहना भी है, कुछ लोग नहीं भी पहने हुए
रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि इसको इंश्योर किया जाए कि किस तरीके से कोरोना काल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहना जाए और ग्लव्स भी पहना जाए। और यहाँ पे आप देखिए जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं पोलिंग बूथ पे, ताकि और लोगों से समझाया भी जा रहा है कि दूरी बनाकर रखें एक दूसरे से। जहां तक राजनीति की बात करें तो श्रेयसी सिंह पहली बार मैदान में उतरी हैं, बीजेपी का दामन अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने थामा था और उसके बाद उनको टिकट मिला है जमुई से, और उनके मुकाबले में इस बार विजय प्रकाश हैं जो कि मौजूदा यहां से विधायक भी हैं आरजेडी के और पूर्व मंत्री भी हैं। तो कड़ी टक्कर है इस बार बीजेपी और आरजेडी के बीच में, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग को भी देखना जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कई जगहों पर हमने देखा है वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से कमेंट ब्रेक का टाइम हो रहा है। जो कई जगहों पर अब तस्वीर आ रही है, जो हम लोग शुरू में कह रहे थे कि कम लोग थे तो लग रहा था ठीक ठाक है मामला, अब तो सोशल डिस्टेंसिंग ये कोरोना के खिलाफ तो मतलब सबसे बड़ा जो लापरवाही की तस्वीरें अब आएंगी पूरे बिहार से। बिल्कुल, देखिए पहले भी ऐसा शक जताया जा रहा था कोरोना काल के समय में ये हो रहा है चुनाव, कैसे होगा, कितना कैसे किया जा सकेगा। रोहित, हम आपकी तस्वीरें जरा दिखाएंगे, फुल स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए तस्वीरें, कैमरामैन को कहिए तस्वीरें दिखाते रहे। जी बोलिए सर। मगर लगता है कि लोगों में राजनीतिक दल ने जितना उत्साह पैदा कर दिया है, सब कोरोना चुके वो दिखता नहीं है उसको भूल आपको पता है मुझे ग्राउंड पे लोग क्या कह रहे थे, मैडम ये तो जानबूझ के लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कोरोना भूल जाएं। इसीलिए ऐसे टाइम पर सारे नेता निकल गए हैं, कोई मास्क नहीं पहनता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कि हम लोग कोरोना भूल जाएं, वोटिंग के लिए जरूर निकले। इनको सिर्फ चुनाव और सीट से मतलब है। और इसी का देखिए एक ऐसा आ रहा है कि जिन जिलों में आज चुनाव हो रहा है वहां पर संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है पिछले 15-20 दिनों में, अक्टूबर के महीने में ही। तो लोग अभी तो उत्साह में भूल कर करके वो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क व बिना लगाए हुए रैली में जा रहे हैं और आज वोटिंग में भी आ रहे हैं, मगर इसका प्रभाव आने वाला दिन में साफ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर संक्रमण का जो दर है और जो संख्या है वो बढ़ रहा है। लेकिन अंजना, मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि चुनाव घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए कि इस तरह से रैलियां होंगी और इस तरह से लोग जाएंगे अपना नॉमिनेशन करने, ऑनलाइन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी पालन करते हुए नहीं दिखाई दिया। और ये स्पष्ट और साफ रूप से कहना चाहिए और ऐसे वक्त पर कहे जाना जरूरी है। कोरोना की इस महामारी के बीच जिस तरह का खतरा है उसके मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो तमाम बातें की गई थी, वादे किए गए थे, वो सब धरे के धरे रह गए। ना तो ऑनलाइन किसी ने नामांकन अपना भरा और ना ही रैलियों में जो नंबर या आंकड़ा बताया गया था उतनी ही भीड़ आई। तमाम जगहों पर जबरदस्त भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जमुई में भी आप देख रहे नहीं है। तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान भी इस बार जबरदस्त तरीके से हमलावर है नीतीश कुमार पर। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि सत्ता में हम आएंगे और जेल भेज देंगे नीतीश कुमार को, इधर जेडीयू चिराग पासवान का एक वीडियो उछाल रही है। हर किसी के बाल का टेक्सचर तेरा खड़ा हुआ है क्या बाल? यूं तो देखने में एक साधारण सा वीडियो लग सकता है, लेकिन चुनावी माहौल में इसकी अहमियत काफी बढ़ गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपने पिता रामविलास पासवान की मौत के कुछ दिनों बाद ही एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पटना वाले घर में एक वीडियो शूट करवा रहे हैं। 2 मिनट के इस वीडियो में चिराग बड़े रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं। एक सेकंड भाई, मैं लाइन ही भूल गया, मुझे बोलना क्या था। हाँ, व्हाट डू आई हैव टू से, पगला गए हो क्या भाई? हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्पित करने पे आ गए, बोल रहे हो कि शुरू से करो। इसके बाद मैं एक टेक और कर दूंगा, पहले एक समर्पित वाला दे देता हूँ ताकि अपने पास फुटेजेस आ जाएं सारी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के चिराग के इस वीडियो को जेडीयू ने लपक लिया, क्योंकि चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की नाक में दम कर रखा है। अब इस वीडियो के जरिए जेडीयू ने चिराग पर करारा तंज कसा। चेहरा समझने में बिहार की जनता को कठिनाई नहीं होगी, किस तरह से कैमरे, लाइट्स, टेक, रिटेक्स, और एक दिन पहले अपने पिता के दाह संस्कार के समय बेहोशी का नाटक करने वाले चिराग पासवान अगले दिन कैमरे के सामने खड़े होकर कैसे इस मौत को भुनाया जाए,
इसके लिए ठाकुर के साथ अपने आसपास लोगों से वो वार्तालाप करते हुए दिख रहे हैं। इतना ये अमानवीय, असंवेदनशील और अनैतिक तस्वीर है जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। दरअसल जिस तरह से बिहार के बच्चे और कई बार उन्होंने एक्शन रिटेक और कई चीजों को दोहराया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आत्मा भी इससे दुखी हुई होगी। वीडियो वायरल हुआ तो चिराग भी सामने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उसी पुराने तेवर के साथ। इतनी नीच स्तर की राजनीति पर मुख्यमंत्री आएंगे ये मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मुझे उन्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी की मौत से कितना दुखी हूँ। नहीं, सवाल उठाना मेरी नीतियों पर सवाल उठाइए ना, मेरी कार्यशैली पर सवाल उठाइए। सवाल उठाइए, बोलिए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एकदम खराब विजन है, बोलिए कि आपका काम करने का तरीका खराब है। पर ऐसे इतना व्यक्तिगत होना और इस तरीके से राजनीति का स्तर इतना नीचे गिराना, ये उम्मीद मुझे मुख्यमंत्री जी से नहीं थी। ये घबराहट कि उनको जेल जाना पड़ेगा मेरी अगली सरकार में, ये उसका परिणाम है। चिराग केंद्र में तो एनडीए का हिस्सा है लेकिन बिहार में नहीं। चिराग ने बिहार में कुल 136 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उनमें मखदुमपुर और फुलवारी में 2 सीटों पर नामांकन रद्द हो गया, इससे एलजेपी के अब 134 उम्मीदवार मैदान में हैं। चिराग की पार्टी ने जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं करीब आधी दर्जन सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी मैदान में है। नीतीश की पार्टी चिराग के इस खेल से बेहद खफा है। उसको लगता है कि ये सब लालू की शह पर हो रहा है कि बिहार में आप देखेंगे वो मदारी जो नचाता है तो नाच रहा है, मदारी नचा रहा है, जमुरा जो होता है तो जमुरा वाले पार्ट में है आजकल। लेकिन चिराग का कहना है कि जमुरा वाला बयान देकर नीतीश की पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रही है। चिराग के तेवर से जेडीयू का पारा चढ़ा है लेकिन बीजेपी को सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल नजर आ रहा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं भी उचित नहीं है, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग यहाँ पर वोट काटने के दृष्टिकोण से खड़े हैं। जनता बहुत अच्छे से समझती है और अपना सही निर्णय जनता करेगी एनडीए के जो गठबंधन है उसको 3/4 से ज्यादा बहुमत देकर। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर चुनावी समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं लेकिन उनका वायरल वीडियो उनकी छवि का पीछा कर सकता है। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। वोटिंग हो रही है, 2.5 घंटे वोटिंग के हो चुके हैं, लगभग 9:30 बज रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत की गई थी। कई जगहों से कोरोना गाइडलाइंस की मानने की भी खबर आ रही है, कई जगहों पर उल्लंघन की भी खबर आ रही है, लेकिन 2.5 घंटे और मतदान इस वक्त भी जारी है। हम आपको एक एक बूथ पर लिए चल रहे हैं जिससे तस्वीर ये समझ में आए कि कोरोना के इस काल में कितने लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। आशंका इसी बात को लेकर थी। कुमार कुणाल कहलगांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, वहां की तस्वीर दिखाइए। शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, 9 बजे तक 3.46% वोट पड़े हैं, यानी लगभग 3.5% वोट 9 बजे तक। कम ही कहा जाएगा अभी के जो मापदंड रहते हैं उससे, लेकिन 7 बजे आज शुरुआत कर दी गई थी। 3.5% वोट परसेंटेज हुआ है। इसी पर जल्दी जल्दी एक चर्चा कर लेंगे। कुमार कुणाल लेकिन जुड़ गए हमारे साथ। कुणाल, जल्दी से बताइए, 3.5% वोटिंग हुई है 9 बजे तक, अभी कतार क्या दिख रही है? देखिए, वोटिंग तो अपडेट होगी और अभी जो हम कतारों की बात करें तो कतारों में आपकी लंबाई देखते हैं, देखिए सुबह से ये कतार की लंबाई कम नहीं हो रही है। कोरोना की बात भी आप थोड़ी देर पहले कर रही थी तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन तो चल रहा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती क्योंकि इतनी लंबी कतारें हैं, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, महिलाओं की कतारें, पुरुषों की कतारें। तो एक बाढ़ थी जो थोड़ी दिन पहले बिहार में आई थी, आज वोटरों की बाढ़ आई है,
पोलिंग बूथ्स पे, और क्या है मन में ये तो यही बताएंगे, अंदर जाकर अभिव्यक्त करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर महिला पुरुष युवा सब बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। कुछ वोटरों से भी हम बात करते हैं, क्या चल रहा है मन में? वोट देना सर। वोट देना तो अच्छी बात है, वोट देने के लिए आप लोग आए हैं। आपको लगता है क्या कि इस बार कोरोना है तो ज्यादा बच करके वोट देना पड़ेगा? हाँ जी, बच करके ही देना अच्छा है, सुविधा। और मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा ही नहीं, अच्छा रहना, सुविधा ना, सुविधा आना चाहिए। हाँ। क्या सोच के आए हो वोट डालने? वोट देने क्या सोच के, जो सब आते हैं वही हम भी आए। क्या आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप युवा हो तो क्या चाहिए? कुछ तो होगा कि सरकार से आप कुछ डिमांड करेंगे? हाँ, डिमांड करेंगे, जब जीतेगा सरकार, जिसे वोट दे रहा हूँ तब करेंगे। क्या करेंगे? जब जीतेंगे तो ख्याल आएगा तो करेंगे। नौकरी चाहिए? हाँ, नौकरी चाहिए। आपको क्या चाहिए? हम लोग को सर नौकरी क्या चाहिए, हम लोग को लेबर मजदूर करते हैं, अच्छा से चल रहे, लॉकडाउन टूटे। लॉकडाउन में दिक्कत हुई? दिक्कत हुई। क्या दिक्कत? कुणाल, मैं आपको कहीं कमाने खाने नहीं जा सके, कहीं कमाने नहीं जा सके। 9:30 बजे तक के आसपास 7.17% वोटिंग हुई है, तो मुझे लगता है 9 से 9:30 के बीच में काफी लोग अब पहुंच रहे हैं। इस टाइम पर 7.25% के आसपास लोगों ने वोटिंग कर दी है 9:30 बजे तक। कुणाल, अब धीरे धीरे लगता है कि अब ये निकलते हुए इस टाइम लोग ज्यादा निकल रहे हैं। कुणाल, बात कीजिए उनसे। देखिए, लोग तो निकल ही रहे हैं, और जो वोटिंग परसेंटेज का गणित है वो भी समझा देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अपडेट होता है, तो जैसे जैसे पोलिंग ऑफिसर्स भरते हैं ऑनलाइन, वैसे वैसे वेबसाइट पर अपडेट होता है, इसीलिए ये अपडेट होता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों से बात करते हैं, क्या है मुद्दा? हाँ ठीक है। क्या मुद्दा क्या है? ठीक तो सब कुछ है, ठीक है। हाँ ठीक है। आपने मास्क नहीं पहना, आपको लगता है क्या कि मास्क पहनना? भूल गए। भूल गए। लेकिन लॉकडाउन में लोगों को दिक्कत हो रहा, जरा कमाने खाने का रास्ता खोलिए कि कमाएंगे खाएंगे कि दो पैसा बढ़ेगा, जो गरीब आदमी को परेशानी नहीं कर रहा है, परेशानी कर रहा है, परेशानी लोग लोगों ने अब हमें देख करके, कैमरा देख करके मास्क तो पहना है। क्या कोरोना ने परेशान किया है? परेशान तो ऐसा किया कि पूरे तरीके से परेशान कर दिया। क्या कर दिया? कमाना खाना सबका बंद कर दिया है। तो अब क्या सरकार के लिए वोट तो करने के लिए आप आगे खड़े हो गए? सरकार का, पब्लिक का काम है कि सरकार को सही करना है। सरकार को सही करना, क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि सरकार मजबूत रहे। कौन सरकार मजबूत होगा जो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? कांग्रेस। तो ये है, यहाँ पर बहुत सारे, आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ी महिलाओं की तरफ भी अंजना लेस चलते हैं, क्योंकि उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं बच्चों के साथ भी कतारों में खड़ी, आप बच्ची के साथ आई हैं, क्या सोच करके आई हैं? घर वर मिला है, क्या मिला है, रोजगार का साधन है? कोई साधन नहीं। साधन नहीं है, कोई चीज कर रहे हैं। हम लोग को सुविधा चाहिए। कौन सी सुविधा चाहिए? कोई रोज बस मोहल्ले में हर चीज दवा पानी कानी कुछ नहीं आया, नल जल योजना तो आई थी। कुणाल, महिलाएं हैं तो नीतीश कुमार की तरफ झुकाव माना जाता है। शराबबंदी, पंचायत में 50% आरक्षण, लड़कियों को साइकिल, इस मुद्दे पर जरूर पूछिए इनसे, झुकाव बरकरार है या माया टूटा है? शराबबंदी पे भी पूछा, शराबबंदी हुई है? हाँ, हो रही है बंदी। हाँ, शराबबंदी लागू हुई है? हाँ, हो रही है। क्या नहीं मिलती है शराब? नहीं मिलती है। मिलती है? मिलती है। एक कह रही है मिलती है, एक कहती है नहीं मिलती है। क्या शराब मिलती है? कौन पता मिला कि नहीं मिला? नहीं पता, हम तो घर में रहते हैं। आप घर में रहते हैं तो आप, ऐसे कहा जाता है कि जो पहले गुंडागर्दी थी अब नहीं है गुंडागर्दी? नहीं है, नहीं है गुंडागर्दी। नहीं। आपको क्या है, शराब मिलता है यहाँ पर इलाके में? नहीं, नहीं मिलता। नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो ये एक बड़ी बात है, कहलगांव में महिलाएं कह रही है शराब नहीं मिलता है। कई जगहों पे हमें महिलाओं ने कहा था कि शराब खुल्लम खुल्ला मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है महिलाएं वो कह रही नहीं मिलता है। क्या मुद्दा है? ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? पानी आता है, नल जल में पानी आता है? हाँ। ठीक है, घर मिला है? हाँ। क्या बात है, घर भी मिला है, मिला है, आप बताइए। सब कुछ मिल गया हम लोग को। तो बहुत सारे अलग अलग राय है, लेकिन बात कुल मिलाकर यही है अंजना कि लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग परहेज कर रहे हैं, कोरोना काल है तो परहेज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये बाढ़ है ये वोटरों की। अब समझ जाइए, ग्राउंड पर हमने कान तो लगाया हुआ है, तो ये वोटरों की बाढ़ जो है एक करंट भी कहीं ना कहीं दिखाई। जितने लोगों से आप रैंडमली बात कर रहे हैं वहाँ वोटिंग करने वाले, उसे हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे किस तरह की तस्वीर आ रही है, आने वाली है। 10 को काउंटिंग होनी है, 10 नवंबर को, लेकिन उससे पहले आज और फिर 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में मतदान हो रहा है। जमुई आपको सीधे लिए चलते हैं, रोहित सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। रोहित, वहां तो हुजूम दिख रहा है। बिल्कुल अंजना, तस्वीरें अगर आप देखें
कटौना की जो जमुई विधानसभा में पड़ता है, तो बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं। राजनीति की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ पहले कोरोना और कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव की बात करेंगे। आप तस्वीरें देखिए, लंबी लंबी कतार आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो रहा है और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो पूरा अंदर तक चले हमारे साथ और दिखाएं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का तो लगता है कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है, ना किसी ने मास्क पहना हुआ है यहाँ पे। और जिस तरीके से बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और महिलाओं को भी इस तरफ आप देखिए, फिर महिलाओं को भी आप देख लीजिए, लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं, ना दो गज की दूरी है, ना मास्क है, ना ग्लव्स है। कुछ महिलाओं से बात भी करते हैं, आप लोग मास्क पहन के नहीं आए हैं? नहीं था सर। कोरोना से डर नहीं लगता है? लगता है। तो फिर पहन के क्यों नहीं आते हैं आप लोग की जान को? आई एम सॉरी कह रही हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है कोरोना से? आप लोग बिना मास्क के आ गए हैं, दो गज की दूरी भी आप लोगों ने नहीं रखा हुआ है, देख रहे हैं कुछ महिलाओं ने तो पहना हुआ है। और अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। इलेक्शन कमीशन चाहे जितने भी दावे कर ले कि हर पोलिंग बूथ पे जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, मास्क पहन के वोटर आएंगे, ग्लव्स दिया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है। चुनाव आयोग को भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ पहला चरण है, दिन भर आज वोटिंग होनी है और आगे भी दो चरण और होने हैं। तो किस तरीके से आप यहाँ देखिए, समूह बनाकर जो है महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। आप लोग कोरोना से आप लोगों को डर नहीं लगता है? आप लोग मास्क भी नहीं पहने हुए हो? खाल मिलवेन करता है, मास्क कहाँ से पहनेंगे? यहाँ बूथ पे नहीं दे रहा है मास्क या कुछ? नहीं, कहाँ कौन दे रहा है, कोई तो दिए नहीं रहे, पहनेंगे कहाँ से? आप लोग दूरी भी बना के नहीं रखे हैं एक दूसरे से? पेट में तो सर ढेर ढेर रहा है। अभी 4 बजे भोर आए हैं सर, अभी तक खड़े हैं। 4 बजे सुबह ही आ गए? हाँ, कि सवेरे जाएंगे ना तो सब काम कर। नहीं तो फिर आप लोग कोरोना से आप लोगों को डर नहीं होता? आप लोग सब समूह बना के ऐसे खड़ी हैं तो की डर लगता है सर? मरना है भूखा ले आइयो, मरियर का लो मरना है। क्या डरना है भाई, कह रही हैं महिलाएं यहाँ पे, सुबह से लाइन में खड़ी हैं, नंबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए अंजना, कितनी डराने वाली तस्वीर है। और इसीलिए कुछ मेडिकल एक्सपर्ट जो है इस बात का अंदेशा भी जता रहे हैं कि ऐसा न हो कि बिहार विधानसभा चुनाव जब समाप्त हो जाए तो बिहार में कोरोना विस्फोट देखने को मिले, क्योंकि यही हाल हर तकरीबन पोलिंग बूथ का है, जहां पर लंबी लंबी कतारें हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो मानो धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं यहां पर। बिल्कुल, तस्वीरें और सब कुछ कहानी सामने आ रही है। जल्दी जल्दी एक एक कमेंट यहां से लेते हैं। अशोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सवाल यह है कि जिस तरह से अभी तक परिस्थिति जा रही है, कोरोना एक समस्या है लेकिन उसमें तो झोंक ही दिया था, और जब चुनाव का ऐलान हुआ था सबके मन में यह आशंका थी कि कितना पालन होगा कितना नहीं होगा, और आज यहाँ पहुंचते पहुंचते देखिए क्या से क्या हो गया। कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन तो इलेक्टोरल बूथ्स पे हमको दिखाई दे रहा है, और अर्बन एरियाज में अगर कुछ कहें तो अर्बन एरियाज में भी उसका वायलेशन हो रहा है। और गांव की बात अगर आप सोचें अंजना, तो गांव में जहां ग्लव्स नहीं है, वोटिंग के लिए लोग उतने अवेयर नहीं है, वहाँ जो स्थिति बनेगी चुनाव के बाद, और इस तरह से मिक्सिंग जो हो रहा है, रैलीज में लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा कई रैलीज में लोग इस तरह से जमा होते हैं जहाँ किसी चीज़ का फॉलो नहीं किया जाता है गाइडलाइंस को, तो एक संभावना बनती है कि आफ्टर चुनाव, चुनाव के बाद एक कोरोना के केसेस में काफ़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने की संभावना दिख रही है हमको। जी संजय जी, बिल्कुल मुझको लग रहा है जिस तरह के कोरोना का गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया जा रहा है। हाँ। और वो लगता है कि कोरोना की संख्या और बढ़ेगी, और अभी भी आ रहे रिपोर्ट ऐसे। लेकिन इसको मैं जरा पॉलिटिकल ट्विस्ट देती हूँ, इससे किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान, मतलब किसका वोट बैंक ऐसा है जो हर हाल में जाएगा ही जाएगा, और क्या जो शहरी है, जो मतलब वेल टू डू जिसको कहते हैं, जो अमीर है, वो जरा परहेज करेंगे? वैसा तो देखा गया है, अमीर और बड़े लोग हैं तो वो थोड़ा परहेज तो करते हैं, मगर देखिए इसमें हर एक राजनीतिक दल के साथ कुछ जात, कुछ समूह, कुछ कम्युनिटी हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, और हर एक अपने अपने समर्थक को उत्साहित किए हुए हैं, तो ये सब के लिए उमड़ के जा रहे हैं। इस लंबे कतार में आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन राजद का है, कौन जदयू का है, कौन भाजपा का है। हाँ। सब ने अपने समर्थकों में उत्साह भर दिया है और सभी उत्साह के साथ कतार में खड़े हो रहे हैं। एक सवाल अब मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, सुजीत आपसे शुरू करते हुए फिर नलिन जी के पास, कितनी जाति और कितना नौकरी इस बार क्या आपको दिख रहा है? जाति वर्सेस नौकरी,
जब ये मुद्दा, क्योंकि देखिए मैंने दोनों तरफ से भारी भरकम मुद्दा उठाया है। जाति भी कहते हैं बिहार में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वोट करते वक्त आखिरी में जाति पर, और इस पर जितना भी आप चर्चा कर लीजिए बात घूम फिर कर आती है। दूसरी तरफ नौकरी, देखिए अंजना कल हम लोग नालंदा में थे, नीतीश कुमार का गढ़ है वो, उनका गृह जिला है, तो कई रैलियों में हमने देखा हर जगह उन्होंने बातें कही, अपने विकास की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी पब्लिक से, जो जनता थी, कि सर नौकरी कब मिलेगी, रोज़गार कब मिलेगा, तो पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, सबको, सबकी ज़रूरत है रोज़गार चाहे नौकरी। वो अलग बात है कि वोट डालते समय हम देखते हैं कि कौन किस जाति का है, हमारी जाति का है, चलो हमारे लिए नहीं भी कुछ कर रहा है तो वोट डाल देते हैं, लेकिन ज़रूरत तो सबकी है, ये रोज़गार चाहिए, तो आवाज़ आती है, ऐसी बात नहीं है। जाति वर्सेस नौकरी, कौन सा मुद्दा भारी पड़ेगा? देखिए पहले समझ लीजिए कि जब लोग जाति वर्सेस नौकरी की जब बात आती है तो उसमें होता क्या है कि जब लोगों के एस्पिरेशंस पूरे होते हैं तो उसी जातियों में लोग इकट्ठे होकर वोट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी जब 2 करोड़ नौकरी की देने की बात उन्होंने कही 2014 के चुनाव में, तो पहले कहा जाता है कि बीजेपी के पास केवल अपर कास्ट और बनिया का वोट है, लेकिन इसी जादव में से, उसी धानुकों में से सब लोग यूनाइट हो गए, अब वोट दे दिया उनको। तो एक्चुअली लोगों के दिमाग में अपना एस्पिरेशन पूरा करना होता है, जो रिफ्लेक्ट होता है वोटिंग में, और यूनाइट कर जाता है, फिर आप जातीय गणित लगाने लगते हैं। हाँ। लेकिन एस्पिरेशन पूरा करना पहला बात होता है किसी के दिमाग में। हाँ। हमारी जरूरतें हैं पूरी करनी होती हैं, पहले दिमाग में ही होता है, मतलब उसके बाद जातीय गणित आता है। निजी जो उम्मीदें हैं, हाँ, वो पूरी होती हैं, तो लोग जाति से ऊपर उठकर या जाति लामबंदी करके फिर, नहीं मैंने कह रहा उसी जाति के रिजिडिटी के अंदर उस एस्पिरेशन को पूरा करने का बहाना लोग खोज लेते हैं। बिहार चुनाव प्रचार को देखकर कई लोग देश में पूछ रहे थे कि कोरोना वहां पर नेताओं को याद भी है या नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि कई बार इस चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर मुद्दों के जरिए वार किया गया, लेकिन कई बार मर्यादाएं भी लांघी गई। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। 10 लाख नौकरी वाले अपने चुनावी वादे को आरजेडी के तेजस्वी यादव ने दुरूप का इक्का बना दिया। इसकी काट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के 15 साल के राज पर सवाल उठाना शुरू किया। पहले क्या हालत थी भाई, 15 साल राज किया, 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने रोजगार का अवसर नहीं दिया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी समय में तेजस्वी ने लालू राज का हवाला देकर वोट मांगा, अगड़े पिछड़ों की दुहाई देकर। लालू जी का जब राज था तो गरीब सी का तार के बाबू साहब के सब लोगों को हम साथ लेंगे, जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी के इस बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी ने इसी बहाने अगड़ों को लामबंद करने की जुगत भिड़ाई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार के चुनाव में वोट के लक्ष्य पर कई हथियार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले रोजगार को लेकर लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है, फिर जाति के नाम पर वोटों को लामबंद करने की कोशिशें भी जारी हैं, साथ ही धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। इन सब से बात नहीं बनी तो जुबानी हमले भी एक मारक हथियार बन रहे हैं, और इन सबसे आगे विकास की दुहाई भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा की 7 सीटों पर जीत के लिए विकास का ही दौर चल रहे हैं। खास बात यह है कि लालू राबड़ी और तेजस्वी पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले करने वाले नीतीश ने नालंदा में चुनाव प्रचार में एक बार भी लालू परिवार पर हमला नहीं बोला। चिंता मत करिए, काम तो कर दिया, और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं।